पे करी थी पार्क और गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, पता नहीं किसने निकाल लिया। मैंने बड़े बड़े पार्क बहुत कम ही जगह हैं और यहाँ पे एक साथ हैं 4-5 पार्क और बाकी काफ़ी चीज़ें थी मतलब अच्छी अच्छी, बट क्या ज़्यादा टाइम तक चली नहीं, बंद हो गई है। लेंगे साइड वालों, हाँ इनको तो छीले ना कांटे हैं ये, ठीक है जैसे ऐसे करा। अरे नहीं लगता बेटा, हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पहाड़ी बैकपैकर, लौटा है एक और नए फ्रेश ब्लॉग के साथ। तो अभी सुबह की 7:30 हो रही है एंड आज मेरी बिल्कुल भी नींद पूरी नहीं हुई यार, क्योंकि ऐसे मान लो मैं सही से सोया ही नहीं हूँ, सोया हूँ बट वो कुछ घंटों के गैप से क्या उठता भी रहा हूँ, बार बार नींद खुल रही है, बार बार कभी उठना पड़ रहा है। तो एक्चुअली क्या 12-12:30 बजे तक तो नॉर्मली सब सोते ही हैं डेली, बट कल मेरे को थोड़ी सी लेट हो गई थी, 12:30 के 1 से बीच में सोया था लगभग, एंड फिर 2-2:30 बजे के आसपास फिर नींद खुल गई, जिससे क्या फिर थोड़ी देर बाद मुझे फिर भी नींद आई नहीं, एंड फिर 4:30 बजे उठना ही था क्योंकि भाई को बाहर काम से जाना था तो उसको मैं स्टेशन छोड़ के आया था। तो 4:30 बजे उठा, उनको 5 बजे तक छोड़ा, 5:30 बजे तक आके वापस सोया ही था और 7 बजे फिर उठ गया, जो कि मुझे डेली उठना पड़ता है, पापा को ऑफिस छोड़ के आना पड़ता है। तो नींद पूरी हुई नहीं, सो रहा हूँ बट उठता जा रहा हूँ, बीच बीच में उठता जा रहा हूँ, देखते हैं दिन में अगर सोऊंगा तो। वैसे दिन में बहुत कम चांस होता है मैं सोता हूँ, वरना मैं सोता नहीं हूँ दिन में। सो अभी मैं छत पे बैठा हूँ, आज मौसम भी काफ़ी शांत है क्योंकि हवा बिल्कुल नहीं चल रही है, एक ये देखो एकदम शांत मौसम है, बट गर्मी नहीं कह सकते, गर्मी नहीं है क्योंकि सुबह सुबह का मौसम है, नॉर्मल ही है, ठंडा है हल्का हल्का, क्योंकि देखो सुबह की हल्की हल्की धूप आ रही है, बस एकदम हल्की हल्की धूप, तो अभी इतनी गर्मी नहीं है। मैं आया था रोज़ी के साथ, रोज़ी को खिलाने के लिए, रोज़ी को मैं बॉल खिलाया था और बॉल की हालत देखो इसने क्या कर दी, ये भी फाड़ दिया, बॉल ही काट के रख दी इसने, तो इसकी देखनी पड़ेगी एक नई बॉल, मुझे शायद तक रखी हुई है मैंने नई बॉल, देखनी पड़ेगी कहाँ रखी है, उसको ढूंढूंगा फिर उससे खेलेंगे, क्योंकि ये तो बिना इतना उछल ही नहीं रही है क्योंकि टूट बीच में से काट दी ना इसने। आ गई है थोड़ी तेज धूप, तो अब मैं नीचे जा रहा हूँ, देखो चारों तरफ धूप आ गई, तो अब गर्मी लग रही है इसलिए नीचे चलते हैं, एंड मुझे रेडी भी होना है कोचिंग जाने के लिए, तो फटाफट से नहाता हूँ पहले। कमरा भी अभी तक सेट नहीं हुआ है, मेरी टेबल उधर ही पड़ी है, मैंने बाहर नहीं निकाली थी उस दिन, उधर रख दी थी, अब इधर सेट करनी है उसको, और यहाँ से जितना भी था वो डेकोरेट किया था हमने हटा दिया, बट एक दिक्कत हो गई है यार, मतलब दीवार थोड़ी सी खराब हो गई है, देखो एक ही दीवार थी मेरे पास बैकग्राउंड अच्छा सा, एंड ये सारी इधर से ये पपड़िया उतर गया, ये भी तो देखो मैंने वहाँ पे सही करा, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कुछ पर्दा पहले ग्रीन पर्दा का था, बट ग्रीन पर्दा मैंने लगाया नहीं, मैंने नॉर्मल एक पर्दा लगा दिया अच्छा सा, मैंने कहा ठीक है बैकग्राउंड अब जितने भी सामान होएगा उसके क्या पीछे रहेगा तो क्या ऐसे मैसी से नहीं दिखेगा, वो मैंने सही करा, बट ये ख़राब हो गई, क्या कर सकते हैं आप। फिर फटाफट से अब लेट भी हो रही है मुझे, 9:45 हो गई है, तो फटाफट से मैं नहाता हूँ फिर मिलते हैं। फाइनली मैं रेडी हो गया हूँ एंड अब अपनी क्लास के लिए निकल रहा हूँ, जल्दी आ फटाफट, जल्दी चल, लोमो डाला तो वो कट कर दिया तूने साउंड, कट गया देखना उसमें वीडियो में। तो क्लासेस पहुंच गए हम एंड अब चलते हैं अंदर, उसका मिड वैल्यू रख दे, ठीक है करते हैं, क्लिक करते हैं, कलर चेंज करना है, हाँ मेरे बाइक देख कहाँ खड़ी है। तो मैंने देखो यहाँ पे करी थी पार्क और गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, पता नहीं किसने निकाल लिया, हो सकता है कोई गाड़ी आगे पीछे करी हो, बट मैंने तो हैंडल लॉक लगाया था, पता नहीं कैसे ले गया होगा यहाँ पे। तो क्लास से हम थोड़ा पार्क की साइड आए आज सर, और अभी इधर से आगे चलते हैं। तो यहाँ हमने ब्रेक लिया है और ये देखो ये यहाँ का लिली पॉन्ड जहाँ पे काफ़ी बोटिंग वगैरह होती है, देखो वो उधर कुछ बच्चे कर रहे हैं।
और सामने पार्क है, मतलब इस एरिया में क्या चारों तरफ मतलब तीन चार पार्क ही पार्क है सारी तरफ। तो बीकानेर में बड़े बड़े पार्क बहुत कम ही जगह हैं और यहाँ पे एक साथ हैं चार पांच पार्क और बाकी तो जैसे कॉलोनी वगैरह में होते हैं अलग अलग वही है। और एक पार्क उस साइड है उसमें क्या टॉय ट्रेन है, तो अब तो चलनी बंद हो गई है, पहले चलती थी मतलब पूरा एक पार्क है राउंड लगाती थी उसका मज़ा आता था। और इस वाले पार्क में एक टैंक रखा हुआ है वो मैं आपको आगे दिखाऊँगा। चल मैं हेलमेट पहन रहा हूँ। तो फ्रेंड मिला था मेरा और मोहित तो गया अंदर वाले पार्क में। रोड क्रॉस करनी पड़ेगी। तो ये देखो टॉय ट्रेन यहाँ की, ये है टॉय ट्रेन। अब तो क्या बोले, देखो पूरी खराब हो गई है ना, ये तो खटारा हो गई है पूरी, 100 पीस है बस। पहले चलती थी पूरे पार्क का चक्कर लगाती थी वहां तक पूरा घूम के मस्त वाली। बीकानेर में भी काफी चीजें थी मतलब अच्छी अच्छी, बट क्या ज्यादा टाइम तक चली नहीं, बंद हो गई है तो उतनी मतलब है नहीं फिर घूमने लायक, इतना बसता नहीं है, सिर्फ मंदिर वगैरह ज़्यादा कुछ। चलो फिर बाइक सामने खड़ी करी हुई है, वो उस साइड करी हमने बाइक खड़ी, अपने अंदर ला सकते थे यार वैसे फालतू ही नहीं लाए। तो अब आ गए अपनी गलियों में, यहाँ की हालत देखो कितनी खराब हो रही है, मतलब सड़कें बना बना के तोड़ लोगों ने। उस गेट से चल, सही है था। वीडियो चल, इससे चल लेना। तो फाइनली पहुंच गए घर। कौन सा चाहिए पूछ ले, ओ डंका रुक जा, ये दे दो। हाँ ये दे दे, मोटा जितना। एलोवेरा ले जा रहा हूँ, बढ़िया से काटना कोई अच्छा सा। अच्छा ही तो है, बढ़िया से दे, बढ़िया ही है ये। इन दोनों को छील लेंगे साइड वालों, इनको तो छील लेना, कांटे हैं ये, ठीक है। जैसे ऐसे करा उसके बीच बीच में से दो फाड़ करने हैं इसके और फिर ऐसे लगाना। तो गर्मी बहुत तेज हो रही है अभी और अभी दिन की 1 बज रही है एंड मैं जा रहा हूँ पापा को लेने, और मोहित अभी तक मेरे घर पर रुका था, 12:30 हम घर पहुँच गए थे। अब इसको मैं साथ में घर छोड़ दूंगा एंड वहाँ से मैं चल जाऊँगा पापा को लेने। तो चला रहा है क्या? सो लिली पॉइंट में क्या, इसका बोटिंग करने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था बट मैंने मना कर दिया, फिर इसने अकेले ने करा नहीं, तो नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे तब पक्का बोटिंग करेंगे वहाँ पे। चल ठीक है, तो फाइनली गाइस पापा के ऑफिस पहुँच चुका हूँ, बस पापा आने वाले हैं और यहाँ पता नहीं कुछ काम चल रहा है, आवाज़ आ रही होगी आपको। मौसम का भी कुछ सीन समझ नहीं आ रहा है, कभी धूप आ रही कभी छाया हो रही है, तो अभी देखो एकदम छाया हो चुकी है। पापा यहाँ थोड़ा दही लेने गए हैं इस शॉप में, तो फिर दही लेते हैं फिर फटाफट घर चलते हैं यार। तो जी चलो। तो अभी जस्ट मैंने देखा यार मेरे इस फ़ोन में पता नहीं क्रैक आ गया, वो तो गिलास में होना चाहिए, बस गिलास के ऊपर ही लग रहा है मेरे को, पता नहीं कैसे आ गया। फ़ोन तो मेरे जेब में था ना, कहीं गिरा कुछ भी, ये वाले तो पहले से ही थे बट ये एक नया क्रैक आया जितना भी आपको दिख रहा है। कौन आया है भाई? मैं कौन? पुच्चू चलो आओ, जल्दी चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। भवि तो नहीं है अभी, भवि पढ़ने गया है, पढ़ाई करने, भवि पढ़ाई करने गया है। तो गाइस दिन में एडिट कर रहा था वीडियो, एडिट करते करते नींद आ गई, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सुबह मतलब रात भर सो नहीं पाया था तो नींद आ गई थी मेरे को एंड अब उठाऊँ मैं, अभी टाइम हो रहा है 5:30 हो रही है शाम की, तो अब मैं छत पे आया हूँ एंड अभी भाई को लेने भी जाना मेरे को थोड़ी देर में। मौसम मस्त हो रहा है एकदम, बट बारिश भी आने लगी है, मैं जैसे ही छत पे आया अभी एंड बारिश स्टार्ट हो गई। अब ज़्यादा तेज़ नहीं आएगी तो बैठ जाऊँगा, ज़्यादा तेज जाएगी तो बैठ भी नहीं पाऊँगा छत पर। मौसम देखो कितना मस्त हो रहा है और हवा चलने लगी है तेज तेज, है ना बच्चों? मौसम कैसा हो रहा है? हवा चल रही है, अच्छा हो रहा है ना? चिक्की को पूछें, चिक्की मौसम कैसा हो रहा है? अच्छा। अच्छा डांस करके दिखाओ फिर, ये देख चिक्की करती है नाच, ये चलो डांस करो फिर। ये देख बारिश स्टार्ट हो गई, तो बादल भी गरज रहे हैं तेज तेज। हेलो गाइस, हेलो गाइस, कैसे हो? कैसे हो?
घर में सब ठीक ठाक? और घर में सब ठीक ठाक है? ठीक ठाक है? हाँ ये गाना लगा देता हूँ ना, डांस करो। गाना नहीं लगता बेटा, लगता है जूस लगाना बेटा। अरे नहीं लगता बेटा, अरे लगता है बेटा। अरे नहीं लगता यार, अरे लगता है बेटा। नहीं लगता यार, नहीं लगता, नहीं लगता ना बेटी। सो दो मिनट की बारिश आनी थी, बस बारिश होगी बंद, बट मौसम अभी भी वैसा ही है एंड बादल गरज रहे हैं काफ़ी देर से। बादल तो मतलब काफ़ी देर से गरज रहे हैं, जब मैं उठा था ना, जब ऊपर आने से पहले नीचे बैठा तब भी बहुत तेज तेज बादल गरज रहे थे। सो मेरे को लगा कि मौसम, पता नहीं यार कुछ भी मौसम सुबह से आज बदल रहा है, कभी धूप कभी छाया कभी बादल कभी बारिश कभी क्या। सो गाइज मौसम बहुत ख़राब हो रहा है और बिजली भी चमक रही, बादल भी गरज रहे और बारिश भी आ सकती है, तो मैं सोच रहा हूँ फटाफट एडिट कर लेता हूँ, उसके बाद क्या पता लाइट चले जाए या क्या हो जाए। सो मोबाइल डेड होने से पहले फटाफट एडिट कर लूँगा, एडिट करके उसको एक्सपोर्ट लगा लूँगा ना। सो ठीक है, ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर फैमिली।